डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास टेंथ के एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, आपने पहली बार बोर्ड का पेपर दिया है और आप बोर्ड का पेपर पास करके इलेवेंथ में आपकी एंट्री हो रही है, मतलब क्लास इलेवेंथ में आप एंट्री कर रहे हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न होता है, जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हम इलेवेंथ में क्या करें, तो इलेवेंथ में आपके सामने एक बहुत बड़ा कैरियर को लेकर प्रेशर होता है कि हम मेडिकल में जाएँ, हम IIT में जाएँ, हम आर्ट्स में जाएँ, हम साइंस में जाएँ, हम कहीं भी जाएँ, जाना तो है ही। अब जब आपके सामने ये प्रेशर है, एक प्रश्न है कि क्या करें, तो ये आप खुद तय करें कि क्या करना है। अगर आप मेडिकल में आते हैं, मतलब नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे पास हैं। हमारे पास, मेरा नाम निशाकांत त्रिपाठी है, हम आपको मेडिकल के एग्ज़ाम में बायो पढ़ाएंगे। तो अगर आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके सामने क्या समस्याएं हैं, क्या आपका करियर है, क्या उससे आपको प्रॉफिट है, कितना स्ट्रगल है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा करियर के बारे में बता देता हूँ। क्लास इलेवेंथ में जब आप इंटर करते हैं और आप बायो स्ट्रीम से जाते हैं, तो आप बायो स्ट्रीम में जाते हैं तो माना जाता है कि आप मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इलेवेंथ में सब्जेक्ट लेते हैं 5, जिसमें बायो भी आप लेते हैं, और बायो के साथ साथ आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं दुनिया के उस सबसे सुपर कंपटीशन का, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपटीटर हैं अभी तक की जानकारी में। इस एग्ज़ाम का जो नाम है, जिसकी आप तैयारी करते हैं, इस एग्ज़ाम का नाम नीट है। ये नीट है, लेकिन इसका पूरा नाम हम लोग देखते हैं, नीट UG एग्ज़ाम है। इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस कम टेस्ट, मतलब ये नीट UG का एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू आप MBBS की सीटें गेन करते हैं और आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। इस नीट UG एग्ज़ाम का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, ये 3 घंटे का होता है। मतलब ये पेपर 3 घंटे का पेपर होता है। 3 आवर्स आपको पेपर देने होते हैं, अपनी क्षमता दिखानी पड़ती है। क्लास 12 अपीयरेंस वाले, क्लास 12 के पास आपको ऐसा देखने को मिलता है, क्लास 12 के बच्चे जो अपीयरेंस में हैं, अपीयर हैं, और जो क्लास 12 के पास आउट हैं, वो ये पेपर देते हैं। इसमें जो टोटल मार्क होता है 3 घंटे में, जो टोटल मार्क्स होते हैं इस पेपर में, टोटल मार्क्स जो होते हैं, वो टोटल मार्क्स होते हैं 720 नंबर का। मतलब ये 720 का एक पेपर है, जिसमें आपके फिजिक्स के 44 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो फिजिक्स 180 की होती है। अगर आप केमिस्ट्री को अगर आप देखें, तो केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 180 का होता है। फिर ये खूबसूरत विषय बायोलॉजी होती है, जिसके 90 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और ये 360 डिग्री का है। मैं आपको बता दूं कि इस नीट के एग्ज़ाम में अब एम्स की भी सीटों को ऐड कर दिया गया है। मतलब 2020 में जो पेपर होगा, 2020 में जो पेपर होगा, उसके इसी एक एग्ज़ाम से आपको एम्स में भी सीटें मिलेंगी। मतलब आपको सिर्फ एक पेपर देना है। जनरली ये एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है, मई के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है। अब आपके सामने देखिए 3 घंटे हैं, मतलब 3 आवर्स हैं, मतलब आपके पास 180 मिनट हैं। इस 180 मिनट में, मतलब 180 मिनट में अगर आप ध्यान से टोटल क्वेश्चन भी देखें, तो टोटल क्वेश्चन भी आपके 180 क्वेश्चन हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, इस तरह से आप 720 का पेपर देते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, तो आपका 1/4 जाएगा, वो क्वेश्चन भी जाएगा, 1/4 भी जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपने गलत किया, तो आपके 5 नंबर जाएंगे। उस क्वेश्चन का 4 गलत हुआ, और जो आपने सही किया है, उसका भी एक क्वेश्चन आपको जाएगा। ये आपके एग्जाम का क्राइटेरिया है, जिसमें हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। अब आप देखिए, इस पूरे पोर्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है,
ये 25% है, ये 25% फिजिक्स केमिस्ट्री है, लेकिन ये जो है ये 50% है। मतलब आपको बायोलॉजी 50% सब्जेक्ट को देना है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये टोटल पेपर का 25% क्वेश्चन है, ये 25% क्वेश्चन है, ये 50% क्वेश्चन है। लेकिन जब टाइम की बात करते हैं तो जो 50% पेपर लेके चल रहा है बायोलॉजी जिसपे 90 क्वेश्चन है, ये एक्चुअली 25% टाइम में हल होता है। मतलब अगर आपके सामने 180 मिनट है तो आपको बायोलॉजी जैसे 90 क्वेश्चन को 30 से 40 मिनट हल कर देना है। स्पीड भी होनी है, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जब स्पीड एक्यूरेसी दोनों होगी, सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, तब आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। अब आपके मन में दुविधा खत्म होनी चाहिए। इससे आप किस पे सीट में सीट पा सकते हैं, एक तो आप इसमें MBBS की सीटें पा सकते हैं दोनों जगहों पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और एम्स में। इसमें आप BAMS कर सकते हैं, इसके थ्रू आप BHMS कर सकते हैं, इसके थ्रू आप BDS कर सकते हैं। ये सीट्स हैं जिनके थ्रू आप इस एग्ज़ाम के थ्रू इन सीट्स में आप जा सकते हैं, जिसमें जो सबसे बेहतर है ये है MBBS। अगर आप MBBS कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। फिर BAMS है, BHMS है, BDS है, आपको ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं। अभी जो मेरिट जा रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इस साल 2019 में जो मेरिट गई गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो गई 570 नंबर, ये मेरिट गई 2019 में। मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम में इस 720 नंबर में 570 नंबर गेन करते हैं तो आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिलने का चांस है। केवल अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ चांस मिलने का। ये सबसे मतलब बेकार वाला जो सबसे नया मेडिकल कॉलेज, बेकार तो नहीं कह सकते, नए मेडिकल कॉलेज में मिलेगा, ये आपकी मेरिट होगी। अब हम आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, हम उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते, मेरा मन भी नहीं इंटरफेयर करने का। हम सीधे बायोलॉजी के आदमी हैं तो बायोलॉजी की बात करते हैं। अगर हम बायोलॉजी के लिए आपके लिए बुक्स जो है बताएं कि बायो के लिए बुक्स आप कौन सी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी है। इस NCERT को मैं मेडिकल का टिकट कहता हूँ। जैसे टिकट टू बॉलीवुड होता है, टिकट टू बॉलीवुड, ऐसे ये मेडिकल का टिकट है जो आपके नाम के आगे आप डॉक्टर लगाएगा। तो आपको ये NCERT पढ़नी है। NCERT बहुत सस्ती है, सिंपल सी है, 100 रुपये की किताब, 150-200 रुपये की किताब है, 400 रुपये किताब। अगर आप 2 साल में 11th 12th लेते हैं तो आपको नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और बहुत बहुत बड़ा करेंगे आप। दूसरी जो किताबें हैं NCERT के साथ साथ, जो क्योंकि आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो आपको सीट्स पढ़नी है। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके ये लिए प्रेफर्ड बुक्स हैं। मतलब आपको NCERT पढ़नी है, सीट सॉल्व करनी है, क्वेश्चन करने हैं। इस NCERT के बारे में बता दें, ये जो NCERT है इसको आप हल्के में ना लें, ये काफ़ी इसके एक एक लाइन में जादू छिपा है। मतलब इसकी लाइनों में जादू है, आपको बताऊँ ये एक तरह का जादू है, ये NCERT एक तरह की जादू है। अगर आप इलेवेंथ की और 12th की दोनों की NCERT अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो 2019 में मतलब 2019 में जो ये क्वेश्चन बायो के आए थे, बायो के जो क्वेश्चन थे 2019 वाले, ये पूरे क्वेश्चन टोटल NCERT से थे। मतलब आपके लिए आपको किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से, किसी भी छोटी जगह से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं चिंता करना है कि आपको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी है। बिल्कुल अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मिसगाइड हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। मोटी किताबें पढ़ के आपको विद्वान नहीं होना है, स्कॉलर नहीं बनना है, आपको उतना ही पढ़ना है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आप केवल फोकस करेंगे किस पे, NCERT पे। NCERT अच्छे से तैयार करेंगे। NCERT बारे में कहा जाता है कि जिसने शतक लगा दिया है, NCERT को 100 बार पढ़ लिया है, दिल दिमाग दोनों से पढ़ा है, उसको मेडिकल में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके सिवा और भी जो फीचर है इसमें, फ्यूचर हैं, छोटे छोटे फ्यूचर हैं, जैसे आप इसमें बी फार्म कर सकते हैं। ये देखिए बी फार्म कर सकते हैं, इसमें आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके सिवा कोर्सेस हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, इसमें बायोटेक का कोर्स है, और भी तमाम कोर्सेस हैं जो आप अलग अलग जगहों से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा। तो आपके रही कैरियर की बात, और अगर हम आपसे कहें तो इसमें फ्यूचर सिक्योर है, पैसा भी है, इज्जत भी है, सम्मान भी है, जो एक व्यक्ति को चाहिए वो आपको सबको मिलेगा। तो आइए हम तैयारी करते हैं पूरे जोश के साथ, मेहनत के साथ,
आपके पास लगभग 1300 दिन है, 365 लगभग 700-800 दिन है, 700 दिन है, जिसमें 700 दिनों में आपको ये 90 क्वेश्चन बायो में आपको तैयार कराऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको रटना है, किसी भी जगह से हो पढ़ना एनसीईआरटी ही है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन देता हूँ। एक्चुअली बायोलॉजी है क्या, सबसे पहले आप ये समझें, बायोलॉजी जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप सुन रहे हैं, जिसे आप समझ रहे हैं, ये पूरा संसार बायो है। मुझे ज्ञान हो गया, आपको भी ज्ञान हो जाएगा। आइए इस ज्ञान की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी शब्द को देखें तो ये देखिए लिखा क्या है, आपको ये देखना है, बोर्ड पे ध्यान देना है कि बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, क्या है इसकी मीनिंग। तो अगर आप बायो को देखें तो ये दो लैटिन टर्म से बना है, एक बायोस है और दूसरा लॉगस है, ये दो लैटिन टर्म है। एक का मतलब है बायोस माने लिविंग होता है, लिविंग होता है, और लॉगस माने स्टडी होती है। मतलब ये हुआ कि इसकी सीधी अगर लिटरल मीनिंग लिखा जाए, मतलब सिंपल सी मीनिंग लिखी जाए, मुस्कुराते हुए लिखी जाए, तो ये देखिए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका कॉल्ड ये देख बेटा बायोलॉजी। अगर आप किसी जिंदा आदमी की बात करते हैं, जिंदा आदमी ही चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी लाइफ हो, लाइफ किसे कहते हैं, जिंदा कौन है, जिसकी आंखें परेशान हैं, जिसका दिल हैरान है, वो है जिंदा। तो जिंदा इसे नहीं कहते, बायो की भाषा में जिसको आप स्टिमुलस देते हैं और वो जो रिस्पांस देता है वो बायो है, वो लाइफ है। मतलब मैंने अगर आपको कहा हेलो और आपने भी कहा हेलो तो आप जिंदा हैं, और अगर मैंने मान लीजिए किसी इस चाकू कहा हेलो तो ये चाकू नहीं कहेगी ना कि हेलो, तो ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसने रिस्पांस नहीं किया है। लेकिन अगर हमने स्टिमुलस दिया और आपने रिस्पांस किया तो इसका मतलब आप बायो हैं, आप में लाइफ है, आपके अंदर वाइटल रिएक्शंस हो रही हैं, और आपकी स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कह सकते हैं। तो ये देखिए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जो लिविंग की स्टडी करता है, जो जिनमें लाइफ है उनकी जो स्टडी करता है, ऐसे जीवों की जो स्टडी करता है जिनमें लाइफ है, उस सब्जेक्ट को, साइंस की उस ब्रांच को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। साइंस की जो खूबसूरत ब्रांच है इसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये देखिए ये ग्रीक फिलासफर है, आपने इनका नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा। ग्रीक फिलासफर है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये देखें, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ये पहला इंसान है इस दुनिया का जिसने ये बताया कि वेयर मैमल है, जिसने लिविंग, जिसने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया, जिसने 6000 एनिमल्स को क्लासिफाई किया, 6000 एनिमल्स को क्लासिफाई किया, जिसने कहा कि जिसके पास रेड ब्लड है वो इनेमा है, जिनमें रेड ब्लड नहीं है वो एनेमा है। इसलिए इस महान आदमी को, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अगर आप इसी के साथ देखें, ध्यान देंगे, ये वैज्ञानिक है जिसका नाम है लैमार्क है, इनके एक मित्र हैं, एक सहयोगी हैं, उनका नाम है ट्रेविरेनस। देखिए लैमार्क है और ट्रेविरेनस है, ये देखिए। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस को फर्स्ट क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी, फर्स्ट क्वाइंड द टर्म, क्या टर्म, बायोलॉजी। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द को फेमस किया। तो अगर आपसे पूछे किसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है तब आप अरस्तु को कहेंगे, लेकिन किसने बायोलॉजी शब्द को फेमस किया, किसने उस शब्द का इस्तेमाल किया, अगर ये पूछा जाए तो लैमार्क और ट्रेविरेनस को कहा जाता है। इसका पूरा ध्यान रखना है आपको, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। अब आप स्टूडेंट नहीं है, आप कंपटीटर है, आपका 20 लाख लोगों से कंपटीशन है, एक दो आदमी से कंपटीशन नहीं, आप पूरी दुनिया से कंपीट कर रहे हैं। और जब आप कंपटीशन करेंगे तभी आप फिटेस्ट होंगे, और जब आप फिटेस्ट होंगे तब इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो आपको अरस्तु का नाम लेना है। लेकिन अगर आपसे पूछे फादर बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किसने किया, जिसने फेमस किया, तो आपको यह नाम लेना है, लैमार्क नाम लेना है, ट्रेविरेनस का नाम लेना है।
तो ये है बायोलॉजी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, जिनमें लाइफ है उनकी स्टडी लिविंग की जाती है। एक मात्र ब्रांच है पूरे साइंस का जो लिविंग की स्टडी करता है। इसको छोड़ के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, इंडियन सोशल साइंस जो भी है, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं। एकमात्र खूबसूरत विषय है, दीवाना बना देता है लोगों को अपना। तेरे चेहरे में वो जादू है, विंडोर खींचा चला आता हूँ, यह है वो सब्जेक्ट, खूबसूरत विषय। आइए देखते हैं इसके बारे में। अगर हम इसके ब्रांचेस की बात करें, बायो की ब्रांचेस क्या हैं, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा ब्रांचेस। आप बायोलॉजी, आपको कितनी ब्रांचेस पढ़नी है, पढ़नी तो आपको सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ ब्रांचेस आज सिखा देता हूँ, इसके आधार पर आपको बढ़ना है। चलिए, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में अगर आप देखें, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में अगर आप देखें, तो सबसे पहली जो ब्रांचेस की वो है जूलॉजी। ये देखिए, ये पहला सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना है, ये जूलॉजी पहला सब्जेक्ट है। जूलॉजी इसकी मेजर ब्रांच है। तो जूलॉजी को अगर हम लोग देखा जाए, तो यहाँ जून माने होता है ग्रेजिंग, जून माने होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग माने जब गाय भैंस चरती हैं, ब्राउजिंग करती है, तो इसे ग्रेजिंग कहा जाता है। और लॉगस माने क्या होता है, अभी पहले डिस्कस हो गया है, लॉगस माने स्टडी होती है। मतलब ये हुआ कि जो लोग चरते हैं, जो ब्राउजिंग करते हैं, उनकी स्टडी जिस साइंस में की जाती है, जिस ब्रांच में की जाती है, उसे जूलॉजी कहा जाता है। तो अगर आपको लिखना हो तो इसे लिखिए स्टडी ऑफ फौना लिखिए। देखिए फौना, या आपको अगर भारी लग रहा है तो आप ये देखिए एनिमल्स लिखिए। आमिर खान की एक मूवी आई थी फना, फना एक्चुअली फौना था। फना माने होता है जब आप किसी चीज में एकदम पागल हो जाए, आप पे पागलपन सवार हो जाए, जिसमें तबाह हो जाए आप, फना माने ये होता है। यहाँ फौना मत लिखा है, फना और फौना दो अलग चीजें हैं। तो देखिए फौना माने होता है, अगर आप किसी गांव से रिलेटेड हैं, सिंपल जगह से हैं, किसी भी जगह से हैं, अगर आप किसी जगह को उछल के कूद जाते हैं, फांद जाते हैं, तो उससे आप एनिमल्स हैं। तो जब आप फांद जाते हैं तो एनिमल्स ही कूदेगा ना यार, एनिमल्स ही कूदेगा ना। तो फौना माने अगर आप समझें, इस दुनिया में कहीं भी फौना लिखा हो तो उसका मतलब बायोलॉजी में एनिमल्स होता है। तो जो वो ब्रांच जो एनिमल्स की स्टडी करता है, उसे जूलॉजी कहते हैं। ये जो अरस्तु हैं, इन्हें हम अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। मतलब अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर जो नया टर्म देखने को मिला है वो फौना मिला है। फौना का मतलब आप समझना शुरू करिए, आप बायोलॉजी के विग्नर हैं। फौना माने एनिमल्स होता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसकी दूसरी ब्रांच के बारे में देखा जाए। इसकी दूसरी ब्रांच के बारे में अगर आप देखते हैं, तो इसका दूसरा जो ब्रांच है उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। ये देखिए, ये इसकी पहली ब्रांच है जिसे जूलॉजी कहते हैं, ये इसकी दूसरी ब्रांच है जिसे बॉटनी कहते हैं। तो अगर आप हम लोग बॉटनी की बात करें, तो बॉटनी के बारे में आप देखें, ये लैटिन भाषा के बॉटस टर्म से आया है, जिसका मतलब हर्ब होता है। और फिर वही पुरानी बात, दूसरा टर्म है लॉगस। लॉगस माने होती है स्टडी। अगर आप सिंपल सा समझें, हर्ब माने होती है घास होती है। गांव में कहते हैं साग सब्जी लाए हैं। वो जो साग है वो हर्ब है। तो अगर आपको इसके बारे में लिखना हो, क्या डिफिनेशन होगी बॉटनी की, मुस्कुराता हुआ चेहरा। चेहरा कैसा है, मुस्कुराता हुआ है, तो आप लिखिए ना, ऐसे लिखिए कि देखिए सर स्टडी ऑफ फ्लोरा। क्या लिखा आपने, डरना नहीं है, फ्लोरा। आप कहेंगे ये क्या लिख दिया आपने, फ्लोरा। जी हाँ, फ्लोरा माने जो फूल दे। फूल कौन किसको देता है, अब तुम्हें 14 फरवरी याद आ रही होगी। नहीं मैं जानता हूं, तो फूल देने गए ना, सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स। तो जो फूल देता है उसे हम प्लांट्स कहते हैं। 14 फरवरी मत याद करना, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। हाँ नहीं, तुम बहुत सयाने हो, मुझसे ज्यादा सयाने हो। तो फ्लोरा मतलब हुआ प्लांट्स, जो फूल देता है, बायोलॉजी में इसे फ्लोरा कहते हैं। आप ऐसे बॉटल पानी वाली जो लाते हैं घर में पीने के लिए,
उसमें फूल बने रहते हैं, फ्लोरा लिखा रहता है, आप ध्यान नहीं देते कि उसका मतलब क्या हुआ, लेकिन अब आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है। फ्लोरा माने क्या होता है, प्लांट्स होता है। इस महान आदमी का नाम देखिए और निगलने का प्रयास करिए, जैसे आप खाना खाते हैं ऐसे अब आपको नॉलेज खाना है। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए, जैसा आप खाना खाते हैं रोज वैसे आपको रोज बायोलॉजी खानी है, निगलना इसको, ब्लड में जब इसका कंसंट्रेशन बनेगा तब आप सेलेक्ट होंगे। आइए देखते हैं थियोफ्रेस्टस, देखिए ये वैज्ञानिक है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक का नाम है बेटा। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो आपको अब नया टर्म दो मिला आज की क्लास में, फाना माने जो फांद जाए एनिमल, फ्लोरा माने जो फूल दे प्लांट। तो जो प्लांट्स की स्टडी करता है उसे बॉटनी कहते हैं, जो एनिमल्स की स्टडी करता है उसे जूलॉजी कहते हैं। तो अब हम ब्रांचेस पे फोकस करते हैं। बायोलॉजी की ब्रांचेस में अगर हम लोग देखें तो जो पहले ये देखिए ब्रांच है, सबसे पहले बायो की जो ब्रांच है हम लोग आपके दिल से शुरू करते हैं। ये देखिए ये बायो की पहली ब्रांच है जिसे हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि आप दिल की बड़ी बातें सुनते हैं, दिल धड़कने दो, दिल मुरझा गया, दिल की दिल दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, तो हम दिल से ही बात करते हैं। दिल को हम लोग स्टडी ऑफ हार्ट को, स्टडी ऑफ हार्ट जो है मतलब हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगर आप हार्ट है ये दिल पकड़ के बैठते हैं तो उसकी स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। मतलब अगर आपके घर में, भगवान न करे ऐसा हो, कोई व्यक्ति हार्ट से प्रॉब्लम है उसको, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे गूगल पे, डॉग कार्डियोलॉजिस्ट इन जिस भी आप जिले से, जिस भी जगह से आप हैं, तो कार्डियोलॉजी हार्ट का जो एक्सपर्ट होगा उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाएगा, और हार्ट को जिस ब्रांच में पढ़ेंगे वो कार्डियोलॉजी में पढ़ा जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है आपको हीमेटोलॉजी, ये देखिए ये बायो की दूसरी ब्रांच है जिसमें आपको हीमेटोलॉजी है, ये इसकी बायो की दूसरी ब्रांच है जिसमें आप ब्लड की स्टडी करते हैं। ये देखिए स्टडी ऑफ ब्लड। तो अगर आपको ब्लड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप ब्लड में कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस ब्रांच में आगे चल के स्टडी करेंगे। इस ब्रांच का नाम हीमेटोलॉजी है। अगर आप एंजियोलॉजी की बात करें, एंजियोलॉजी तो ये देखिए ये स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स है। मतलब अगर आप ब्लड वेसल्स की स्टडी करते हैं, आर्टरी वेस कैपिलरीज की स्टडी करते हैं, तो आपको बायो की ये ब्रांच पढ़नी पड़ेगी। कार्डियोलॉजी में हार्ट की, हीमेटोलॉजी में ब्लड की, एंजियोलॉजी में ब्लड वेसल्स की स्टडी करनी पड़ती है। और भी ब्रांचेस आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मैं आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये देखिए टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायो की। तो टैक्सोनॉमी अगर आप देखें तो इसमें होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो आप फाइलम पढ़ते हैं, किंगडम पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, वो बायो की इस ब्रांच में पढ़ते हैं जिस ब्रांच का नाम टैक्सोनॉमी है। तो आप देखिए कार्डियोलॉजी, हीमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, और देखिए ब्रांचेस ढेर सारी हैं बायो की। ये देखिए ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी में अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्निथोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ बर्ड्स। अगर आप चिड़िया की स्टडी कर रहे हैं, चिड़िया की स्टडी करना चाहते हैं, आपको इस चिड़िया में स्टडी मतलब फीलिंग है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप स्टडी कर सकते हैं। हार्ट में स्टडी है तो आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे, ब्लड में आपका इंटरेस्ट है तो हीमेटोलॉजी में जाएंगे, आर्टरी वेंस कैपिलरीज में इंटरेस्ट है तो एंजियोलॉजी में जाएंगे, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो टैक्सोनॉमी जाएंगे, और अगर आप बर्ड्स की स्टडी कर रहे हैं तो आप ऑर्निथोमोलॉजी में जाएंगे, अगर आप मसल्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप सार्कोलॉजी में जाएंगे। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स। ये सब बायो की ब्रांचेज हैं, और भी ब्रांचेस हैं बायो की, आप यहाँ देख लें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखा दूँ ब्रांचेस के बारे में, जरूरी है ये। देखिए और ब्रांचेस कौन सी हैं, हीपेटोलॉजी है, तो अगर आप हीपेटोलॉजी में जाते हैं, हीपेटोलॉजी में जाते हैं तो हीपेटोटर्म बायो में कहीं भी लग जाता है, तो इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ लीवर। अगर आप लीवर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं
तो आप हिपेटोलॉजी में जाएंगे। यहीं पर एक शब्द और इसी से मिलता जुलता है, अक्सर पूछा जाता है हर्पिटोलॉजी क्या है। तो अगर आप हर्पिटोलॉजी में जाते हैं तो ये देखिए, ये स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स है। मतलब अगर आप रेप्टाइल्स की स्टडी करना चाहते हैं, रेप्टाइल्स के बारे में आपको एक सीखना है, तो आप इस ब्रांच पे जाएंगे। और भी सब्जेक्ट है, चिंता ना करें, आप जिस ब्रांच पे जाना चाहें आप उस ब्रांच पे जा सकते हैं। ये देखिए ऑफियोलॉजी, आपको अगर सांप में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस ब्रांच पे चले जाएं, स्नेक के बारे में स्टडी करें। आपको जहर के बारे में स्टडी करनी है, आपको बड़ा मन कहता है कि जहर कैसे काम करता है, कैसे प्रभावित करता है, कैसे लोगों को मारता है, तो आप इस ब्रांच पे चले जाएं। ये देखिए स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, आप इस ब्रांच पे जाके जहर की स्टडी कर सकते हैं, टॉक्सिक चीज़ों का वो कर सकते हैं, एक्सपर्टाइजेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको वायरसेस के बारे में स्टडी करनी है तो ये देखिए आप इस ब्रांच में जा सकते हैं, इस ब्रांच का नाम है वायरोलॉजी। ये देखिए अभी वायरसेस COVID-19 आया है, COVID-19 आया है तो आप इस ब्रांच में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं सर ये स्टडी ऑफ वायरसेस है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं वो सारी ब्रांचेस आपके लिए अवेलेबल है। और भी अगर आपको देखना हो चाहे देख लें। ये देखिए आप आँख के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आँख को आँखें अच्छी लगती हैं, सागर जैसी आँखें पसंद हैं। आंखें कैसी पसंद है सागर जैसे, आप इस ब्रांच पे चले जाएं। ये देखिए स्टडी ऑफ आईज, अगर आप आई के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसमें चले जाएं। अगर आपको नर्वस सिस्टम की पसंद है तो आप जो है न्यूरोलॉजी में चले जाएं। ये देखिए न्यूरोलॉजी में चले जाएं, ये न्यूरोलॉजी में चले जाएं, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। अक्सर बच्चों को ये बात पसंद होती है, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, आप न्यूरॉन्स की एक्सपर्ट कर लें। ये देखिए तो ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस है। एक ब्रांच और मैं लिख देता हूँ, अक्सर पूछी जाती है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये देखिए एक ब्रांच है जिसको सेल बायोलॉजी कहा जाता है, ये देखिए स्टडी ऑफ सेल। मतलब आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं माने रखता है, आपके लिए द्वार खुला हुआ है। एक ब्रॉड स्कोप है इस सब्जेक्ट में, जहां भी जाना चाहो तुम, जो कहो मैं आपको सिखा दूं। और भी ब्रांचेस हैं, ये देखिए बोन्स पे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ऑस्टियोलॉजी है। ये देखिए ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजिस्ट बन जाइए। मतलब आप जाना कहाँ चाहते हैं मायने ये रखता है, तुम जिधर जाना चाहोगे वो ये हाथ फैलाए आपको खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है ये। आप जाएंगे कहाँ पे, जगह ढूंढिए, हम आपको वहां पर भेज देंगे। देखिए ये ब्रांचेस, हार्ट की स्टडी, कार्डियोलॉजी, हिमाटोलॉजी, एंजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी, सार्कोलॉजी, हिपेटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ऑफियोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, वायरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। क्या चाहोगे भाई, क्या चाहते हो तुम बताओ ना मुझे, भेजूंगा मैं तुम्हें उस ब्रांच में। मैं आपको बायो की पहली एक ब्रांच पढ़ाता हूँ। सबसे जो पहली ब्रांच हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेल बायोलॉजी है। ये सेल बायोलॉजी है, एक्चुअली इस सेल बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो सेल बायोलॉजी के साथ सेल साइकिल भी है, सेल डिवीजन भी है। तो हम आपको पहले सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये आपके मेडिकल के टिकट में, मतलब NCERT में पेज नंबर 126 पे से इसकी बिगनिंग है। मतलब NCERT में पेज नंबर 126 से ये चैप्टर शुरू होता है सेल बायोलॉजी वाला। आइए शुरू करते हैं, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक शब्द है आपके सामने सेल बायोलॉजी और दूसरा टर्म है साइटोलॉजी। कभी कभी आप घबरा जाते होंगे कि इन दोनों शब्दों की अलग अलग मीनिंग क्या है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ते हैं, मतलब सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेल के केवल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। सेल है, आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज है, बहुत सारे ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें वो छोड़िए भी आप। बस आप ये सोचिए कि अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी है। लेकिन अगर आप सेल के स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे नेफ्रॉन है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, नेफ्रॉन एक सेल है, तो नेफ्रॉन का अगर आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, फंक्शन भी पढ़ा, तो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा। लेकिन अगर आपने नेफ्रॉन का केवल स्ट्रक्चर पढ़ा, तो आपने साइटोलॉजी में पढ़ा। ये पहली बात होती है। अगर हम लोग सेल की बात करें, तो सेल जो टर्म है, ये लैटिन भाषा के सेलुला टर्म से आया है, ये देखिए। और इस सेलुला का मतलब होता है, लैटिन टर्म जो है, इस सेलुला का मीनिंग होता है अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर। मतलब आप ये बात समझें कि जो सेल बायोलॉजी है, इसमें जो ये सेल टर्म आया है, इस सेल का लैटिन टर्म सेलुला से ओपनिंग हुई है, ओरिजिन हुई है, जिसका मतलब ये स्मॉल हाउस होता है। अगर हम सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में देखें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये देखिए सेल बायोलॉजी की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, बेटा सारे लोग पढ़े होंगे आप लोग, सबसे पहले इस महान आदमी का नाम आता है, इनका नाम रॉबर्ट हुक है, सब लोगों ने पढ़ा है, आपको कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सबसे पहले इनका नाम आता है 1665 में, रॉबर्ट हुक को 1665 में सबसे पहले सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री में इस महान आदमी का नाम आता है। इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, इन्होंने सबसे पहले सेल को खोजा था। जिस प्लांट पे ये काम कर रहे थे, उस प्लांट का नाम क्वार्कस सबर था। ये प्लांट था, इसी प्लांट पर ये काम करते थे, क्वार्कस सबर प्लांट पे काम करते थे। इन्होंने एक खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, जो 40x टाइम ज़्यादा देख सकता था, 42 टाइम ज़्यादा देख सकता था। इनका खुद का अपना माइक्रोस्कोप था। और अगर आप सब्जेक्ट को ढंग से सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने सही में एक्चुअली ही डिस्कवर्ड सेल वॉल। उन्होंने सही बात सेल को खोजा नहीं था, उन्होंने एक्चुअली सेल वॉल को खोजा था। अगर आपसे कोई किताब का नाम पूछे, इनकी किताब का नाम क्या है, तो अगर आपसे इनकी कोई किताब का नाम पूछता है, तो आप किताब का नाम बताएं कि इनकी किताब का नाम माइक्रोग्राफिया है। इसी किताब में इन्होंने अपनी सारी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन किया। फिर से मैं दोहराता हूँ, रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, क्वार्कस सेवर प्लांट में इन्होंने काम किया, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया जो 42x टाइम किसी चीज़ को देख सकता है। जैसे आपके मोबाइल के कैमरे में आप देखते हैं फ्रंट बैक होता है, उसी तरह से किसी वस्तु को ये 42 टाइम ज़्यादा देख सकता है। इन्होंने डिस्कवर किया था सेल वॉल को। सही बात यह है, उस समय की बात बाद में साइंटिस्टों ने बात पता की। तो सबसे पहले इनका नाम आता है, इसकी हिस्ट्री में रॉबर्ट हुक का नाम आता है। जब आप रॉबर्ट हुक को पढ़ लेते हैं, तो अब आप देखिए इसकी हिस्ट्री और आगे बढ़ती है। दूसरा नाम एंटनी वॉन लीवेनहॉक का आता है, ये देखिए एंटनी वॉन लीवेनहॉक, काफी बड़ा नाम है ये, लीवेनहॉक का नाम आता है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक का नाम आता है। इस चीज को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, तो अगर एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया तो आपको आना चाहिए, सीधी सीधी बात है। एंटनी वॉन लीवेनहॉक का नाम इसलिए आता है कि इन्होंने फर्स्ट सादा सेल, मतलब सबसे पहले सेल को इन्होंने देखा था। देखिए फर्क है, फर्क ये है कि इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने सेल को सबसे पहले देखा था। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट था सेल सादा सेल, अगर आपको पता होगा तो इन्होंने सेल को देखा था, इन्होंने स्पर्म को देखा था, इन्होंने प्रोटोजोआ को देखा था माइक्रोस्कोप में, इन्होंने
बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था और इन सारे लोगों के लिए जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थे, इन सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को इन्होंने एनिमल क्यूल कहा था। शायद आप सारे लोग पढ़े होंगे और सारे लोगों को अच्छे से इसकी इंफॉर्मेशन होगी। ये देखिए, इसीलिए इस महान आदमी को, ये जो लिविन हक है, इन महान इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, इन्हें फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। ये देखिए, अब आपके सामने तीन नए शब्द आ गए, बायो सीख रहे हैं आप। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी जब करते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उन्हें हम उस ब्रांच को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बना के और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, इसलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। प्रोटोजुआ की स्टडी की थी, इसलिए फादर ऑफ प्रोटोजुलॉजी कहा जाता है। इनकी बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये देखिए, इनकी किताब का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य, ये इनकी किताब थी। मतलब आपको याद करना है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक की बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर और रॉबर्ट हुक की किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था जबकि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सेल को देखा था। ये पॉइंट आपको याद करना है। अब जो है रॉबर्ट लेंटनी वॉन लीवेनहॉक के बाद जो अगला नाम आता है, एनसीईआरटी में नाम दिया गया है, इसकी हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। ये जो नाम है ये रुडोल्फ वर्शो का नाम है, ये भी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है, इनके बारे में आपको देखना है। रुडोल्फ वर्शो का जो कॉन्सेप्ट था वो 1855 में आया। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इस साल नीट के एग्ज़ाम में आ चुका है, नीट यूजी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है रुडोल्फ वर्शो के बारे में। अभी इस साल का जो क्वेश्चन था उस साल से ये पूछा गया। तो रुडोल्फ वर्शो जो थे, अगर आप इनका नेचर देखें तो ये जूलॉजी के आदमी थे, ये जूलॉजिस्ट थे। मतलब आपको ये समझना है कि ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी के आदमी थे, एनिमल्स की स्टडी करते थे। तो रुडोल्फ वर्शो ने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ये कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने लिखा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये देखिए, ये रुडोल्फ वर्शो का कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है बोर्ड पे, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ओमनिस का मतलब हुआ ओनली, ये देखिए, सेलुला का मतलब हुआ सेल, ई माने हुआ फ्रॉम और फिर सेलुला माने हुआ सेल। तो अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब यह हुआ, कैसे लिखिए, इन एनिमल्स न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि नई जो सेल्स हैं उनका निर्माण पुरानी सेल से होता है। नई सेल का निर्माण, नई सेल की जो फॉर्मेशन है वो पुरानी सेल से होती है, तो रुडोल्फ वर्शो को होता है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इनके इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लॉ ऑफ लीनिएज कहते हैं। ये देखिए, इसे हम लोग लॉ ऑफ लीनिएज कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रुडोल्फ वर्शो के पास जो अगला नाम आया वो कार्ल नगेली का आया। ये साइंटिस्ट हैं कार्ल नगेली का कॉन्सेप्ट आया। कार्ल नगेली जो है बॉटनी के आदमी हैं, मतलब ये बॉटनी के एक्सपर्ट, एनिमल्स के एक्सपर्ट हैं, प्लांट्स के एक्सपर्ट हैं।
कार्नेगी ने यही बात कहा, इन प्लांट्स, अगर आप देखें इन प्लांट्स, इन प्लांट्स न्यू सेल्स arise from, new cells arise from pre-existing cells, new cells arise from pre-existing cells. ये देखिए, मतलब जो काम रूडोल्फ वर्सों ने एनिमल्स के बारे में कहा वही बात कार्नेगी ने प्लांट्स के बारे में कहा. आगे देखिए कॉन्सेप्ट इसका, अगर हम इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखें, यहां से देखें आप, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को और एक एक सहयोगी है हार्टविग, हार्टविग नाम है, रॉबर्ट हुक और हार्टविग को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है. ये याद करना है आपको. दूसरा नाम देखें, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है सीपी स्वानसन को. ये एक साइंटिस्ट है सीपी स्वानसन, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी कहा जाता है. ये पहला नाम है रॉबर्ट हुक का, ये है सीपी स्वानसन का. इंडिया में आते हैं, डॉक्टर ए के शर्मा को फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कहा जाता है. अब आप देखिए, नाम देखिए, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है, सीपी स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी कहा जाता है, डॉक्टर ए के शर्मा को फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कहा जाता है. इसके सिवा आपको कुछ और चीजें पढ़ाई जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे पूछे कोई कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछता है आपसे, तो लॉन्गेस्ट सेल के बारे में आपको बताना है, लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बताता है कि नर्व सेल ऑफ नेक ऑफ जिराफ. ये देखिए, ये लॉन्गेस्ट सेल है. अगर आपसे लार्जेस्ट सेल पूछता है, ये देखिए लार्जेस्ट सेल पूछता है, तो आपको बताना है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ये देखिए एग ऑफ ऑस्ट्रिच ये. और अगर आपसे स्मॉलेस्ट सेल पूछता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो आप इसका पूरा नाम लिखते हैं PPLO. ये देखिए, अगर आप PPLO का पूरा नाम देखें, तो यहां देख लें PPLO का पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये सबसे छोटी सेल है. ये देखिए, तो आपको याद क्या करना है, रॉबर्ट हुक और हार्टविग को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है, सीपी स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी कहा जाता है, डॉक्टर ए के शर्मा को फादर ऑफ इंडियन सेल बायोलॉजी कहा जाता है. जो लॉन्गेस्ट सेल है वो जिराफ की गर्दन की नर्व सेल है, जो नर्व सेल है जिराफ की, जो जिराफ की गर्दन लंबी होती है वो लॉन्गेस्ट सेल है. शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो भी सेल है, वो इतना बड़ा होता है जितना मनुष्य के पैदा हुए बच्चे का सिर होता है, उतना बड़ा अंडा होता है वो सबसे बड़ी सेल है. और सबसे छोटी जो सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है, उसका नाम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है. आप इसका मतलब समझें, हमको, हम मनुष्य लोगों को, ह्यूमन को जो न्यूमोनिया होता है वो बैक्टीरिया से होता है.
तो यहाँ देखिए वो बैक्टीरिया जो है उसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। मैं यहाँ पे जो बात क्लियर करा दूं कि ह्यूमन को जो निमोनिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। यहाँ पर निमोनिया जानवरों को हो रहा था, कैटल्स को हो रहा था, और ये पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया नहीं है। ये पीपीएलओ निमोनिया के बैक्टीरिया जैसा दिखता है। तब अगर आप थोड़ा सा इसका नाम देखें, प्लूरो जो अपना रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है जिससे निमोनिया जैसा दिखता है। ये बात आप समझें, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, ये बात बहुत फोकस करने वाली बात है।